नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बैंक ऑफ बड़ौदा में 35 करोड़ के चेक फ्रॉड मामले में बुकेम लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुनील जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा 35 करोड़ रुपए का चेक बैंक में जमा किया था। पुलिस ने पूर्व में फर्जी चेक पोस्ट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामला खजराना थाना क्षेत्र के स्टार चौराहे पर KM दस्तूर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में 35 करोड़ रुपए निकालने का प्रयास किया गया था। फर्जी चेक इस्तेमाल बैंक में किया गया था, जहां KM दस्तूर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक अतुल कुमार को जानकारी लगने के बाद थाने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जहाँ पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने एग्रीमेंट जब्त किया है, जिसमें KM दस्तूर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बुकेम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से निवेश के लिए 35 करोड़ का एग्रीमेंट कराया था, जहां पुलिस ने बैंक में चेक लगाकर पैसे विड्रॉल करने के प्रयास बुकेम लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुनील जैन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि सुनील जी को भी निवेश के नाम पर ये फर्जी कि दिया गया था। हालांकि आरोपी सुनील जैन ने पूर्व में उज्जैन में संबंध में उनके साथ हुए शॉर्ट की शिकायत थाने पर की है। वहीं पुलिस को जिन एग्रीमेंट के जरिए निवेश की जानकारी मिली थी, उसमें पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, शमीम अहमद, अवधेंद्र, जितेंद्र कुमार यादव, राम गोपाल। हालांकि मामले में और भी कई लोगों की भूमिका सामने आ सकती है, जहां बैंक से जुड़े व्यक्ति की भी भूमिका की जाँच की जा रही है। थाना खजराना में जो 35 करोड़ के चेक को बनाने का जो प्रयास हुआ था, उसमें जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उसमें आज पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने सुनील जैन, जो कि बोकेम पेरेंटल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जिनके द्वारा वो चेक लेकर बैंक में गए थे और उसको बनाने का प्रयास किया था, उनको गिरफ्तार किया है और उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और साथ ही जो 4 युवक जो हमने पहले गिरफ्तार किए थे, जो कि एक एग्रीमेंट के तहत चेक उन्होंने दिया था, ऐसा उनको द्वारा बताया गया था, उन सभी का पुलिस रिमांड 26 तारीख तक का माननीय न्यायालय से हम लोगों ने लिया है। और बाकी सुनील जैन से भी हम लोग पूछताछ करके और कल और जरूरत आवश्यकता पड़ी तो रिमांड लेंगे। सुनील जैन ने बताया सर कहाँ से लाया था क्या? वो अभी इन चारों को एक होटल में मिलना और उनसे द्वारा चेक देके और ये एग्रीमेंट करने के बारे में बात बता रहे हैं, इसकी सत्यता की पुष्टि भी हम लोग और पूछताछ में करेंगे। सुनील जैन के द्वारा बताया कि उनको कंपनी में निवेश के नाम पर ये चेक दिया गया था कि 35 करोड़ का दस्तूर कंपनी से निवेश होगा, उसमें जो फ़ायदा होगा कुछ परसेंटेज का, वो आपको हमको देना होगा, इसलिए इन्होंने चेक लिया था। और इन्होंने अभी ये भी जानकारी मिली कि उज्जैन में इन्होंने एक FIR करवाई है चिंतामण गणेश थाने में, जिसमें कि इसी पूरी घटना का उन्होंने हवाला देते हुए चेक का जो बैंक में जो अनादर हुआ उसके बारे में उनको पूरी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। अब तक सर इसमें कितने आरोपी हो, क्या अभी 4 आरोपी हमने गिरफ्तार किए और 5वें जो है सुनील जैन को गिरफ्तार किया, 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए। अभी आगे भी और किसी की भूमिका के बारे में जानकारी मिलेगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।